हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। और सामने है साइकोलॉजी सब्सिडरी विषय का क्वेश्चन जो असाइनमेंट के रूप में आपके लिए दिया गया है। और यहाँ पर जो 5 क्वेश्चन दिया गया है, इसमें से 2 क्वेश्चन का आंसर देना है। हमने पिछले वीडियो में 2 क्वेश्चन का आंसर दे चुके हैं, एक पहला है और दूसरे नंबर पर चौथा का आंसर दिए थे। इस वीडियो में 5वां क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करेंगे। इन 3 वीडियो में से कोई 2 वीडियो से आप अपना आंसर लिखें। 2 आंसर लिखना है, यानी 2 क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए आपको असाइनमेंट, एक ही असाइनमेंट पेपर में 2 क्वेश्चन का आंसर लिख करके आप उस पेपर को कंप्लीट कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर अलग अलग वीडियो को देख करके, पॉज करके, समझ करके फिर आपको जो उचित लगे एक को छोड़ दीजिएगा और 2 को लिख लीजिएगा। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार रिक्वेस्ट करते हैं कि जो भी पहली बार चैनल पर आए हैं, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा करके उसको नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिएगा, तो आगे भी वीडियो आपको मिलती रहेगी। सो चलते हैं आगे इसके आंसर की ओर। क्वेश्चन है, मनोचिकित्सा क्या है? और एक क्वेश्चन हो गया, इसी में है, व्यवहार चिकित्सा का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। और व्यवहार चिकित्सा, मनोचिकित्सा में कई चिकित्साएं आती है, उसमें से एक है व्यवहार चिकित्सा, बिहेवियर थेरेपी बोलते हैं जिसको, तो उसका आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है। तो इसलिए क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा होगा इसका आंसर, तो पेशेंस रखते हुए धीरे धीरे इसको समझने का कोशिश करें और फिर आगे इसको लिखें अपने लैंग्वेज में। तो मनोचिकित्सा क्या है, इसका प्रकार और कैसे होती है, इसका क्या लाभ है, यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसको नहीं देखते हुए आगे हम लोग देखते हैं। इसको हम पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि पढ़ने में विशेष समय लगेगा, थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन जहाँ ज़रूरत पड़ेगा हमको देंगे और आप खुद समझदार हैं। मनोचिकित्सा व्यक्तिगत, परिवार, जीवन साथी अथवा समूह में की जा सकती है। इससे बच्चों और बड़ों दोनों को मदद मिल सकती है। इसके लिए निम्नलिखित बातें महत्वपूर्ण है कि ये 30 से 50 मिनट का एक सत्र होता है, जिसमें क्लाइंट और थेरेपिस्ट यानी जो डॉक्टर होते हैं और जो पेशेंट होते हैं, दोनों को सक्रिय रूप से मनोचिकित्सा में शामिल होना पड़ता है, यानी दोनों एक्टिव रहते हैं। मनोचिकित्सा से फायदे और एक साथ काम करने के लिए क्लाइंट और थेरेपिस्ट के बीच भरोसे का संबंध होना चाहिए, यानी डॉक्टर पर पेशेंट को भरोसा होना चाहिए ताकि जो डॉक्टर कहे, साइकोलॉजिस्ट कहे, वो पेशेंट करते जाए, तभी इसका रिजल्ट मिल सकता है। तो इस तरह से हम इसको पूरा पढ़ेंगे नहीं, और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के रूप में हमने पढ़ा है इसका कि मनोचिकित्सा मन की चिकित्सा है और ये कैसे डॉक्टर उनके साथ रह करके करते हैं, इसका उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, ये सब आगे हम लोग देखते हैं। कि मनोचिकित्सा एक थेरेपी है, एक ट्रीटमेंट का पद्धति है, चिकित्सा का पद्धति है इलाज करने का, और जिसका उपयोग भावनात्मक परेशानियों और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के उपचार के लिए किया जाता है। भावना संबंधित कोई परेशानी है या मन का कोई बीमारी है तो उसके इलाज के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसी तरह से है, अवसाद में है, कोई बेचैनी है, किसी को सकारात्मक पॉजिटिव एनर्जी देना है, तो साइकोलॉजी का उपयोग किया जाता है, साइकोथेरेपी का उपयोग किया जाता है। पूरा पढ़ेंगे तो पढ़ाना हो जाएगा और फिर लंबा वीडियो बनेगा, यहाँ पर विशेष नहीं बता रहे हैं। मनोचिकित्सा के कितने प्रकार होते हैं, तो कई प्रकार हैं इसके, यहाँ पर कई प्रकार और उसके क्या दृष्टिकोण हैं वो दिखाया गया है, जिसमें से आप नंबरिंग करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इसमें पहला जो है व्यवहार चिकित्सा, इसी को बाद में डिटेल्स में बताने के लिए कहा गया है। पहले उसके टाइप्स को हम लोग जान लेते हैं कि कितने टाइप के होते हैं। उसमें से पहला ये व्यवहार चिकित्सा है, बिहेवियर थेरेपी। फिर आगे है संज्ञानात्मक चिकित्सा, जिसको कॉग्निटिव थेरेपी बोलते हैं। इसमें पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर भी होता है, अलग अलग नाम है वो सब अब देखेंगे। लक्षण अलग अलग होता है व्यक्ति में, अलग अलग सिम्टम्स को देख करके लोग समझते हैं कि इसमें कौन सा डिसऑर्डर है। फिर तीसरा टाइप में चलते हैं अंतर्वैयक्तिक चिकित्सा। अंतर्वैयक्तिक चिकित्सा जो होता है ये इंटरपर्सनल थेरेपी है, और इसमें जो है कई संबंधों पर ध्यान देना पड़ता है,
और फिर आगे देखते हैं चौथा परिवार चिकित्सा। परिवार चिकित्सा जो है वो फैमिली थेरेपी है। इसमें परिवार के संदर्भ में देख करके पेशेंट को रखा जाता है और फिर उसको इलाज किया जाता है, उसको कई तरह से समझाया जाता है। जैसे कि किसी को शादीशुदा जीवन में परेशानी होती है, अवसाद की समस्या है, टेंशन है, तो उसमें परिवार से संबंधित बातें, अच्छी बातें बताई जाती हैं। फिर पाँचवा देखते हैं समूह चिकित्सा, ग्रुप थेरेपी। इसमें कई लोग एक साथ रहते हैं और सबका इलाज साथ में किया जाता है, सबको साथ में समझाया जाता है। जैसे कि आप देखते होंगे प्रवचन वगैरह में, तो एक महात्मा बाबा जो होते हैं वो कई लोगों को एक साथ उपदेश देते हैं, तो ये ग्रुप थेरेपी की तरह ही बात होती है और एक दूसरे से सलाह भी लेते हैं लोग। छठा है साइकोडायनामिक थेरेपी, साइकोडायनामिक थेरेपी। इसमें क्या है कि ये अंतर्दृष्टि उन्मुख चिकित्सा है, आपके मन की गहराई में स्थापित व्यवहार जो है उससे जुड़े कारणों पर ध्यान देती है, इसके मन में क्या कौन सा कारण जड़ बनाया हुआ है। जैसे कि किसी व्यक्ति के व्यवहार के कारण उसके बचपन से जुड़े हो सकते हैं जो आज भी उसके व्यवहार को प्रभावित कर रहे हों। बचपन का व्यवहार बहुत कुछ प्रभावित करता है, ज़िंदगी भर जो आदत लग जाता है। मुख्य उद्देश्य यही है कि व्यक्ति अपने व्यवहार के प्रति जागरूक हो और यह जान सके कि किस तरह हमारे बचपन की घटनाएँ हमारे आज के व्यवहार को भी प्रभावित कर रही है। इसके क्या लाभ हैं, लाभ देखते हैं। लाभ तो कई हैं, 75% लोग जो है यह उपचार करवाते हैं तो कुछ ना कुछ ज़रूर लाभ महसूस करते हैं। 25% ही ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कहते हैं कि हमने साइकोथेरेपी का सहारा लिया और कोई लाभ नहीं मिला। तो आप इसको पूरा हम पढ़ नहीं रहे हैं, यहाँ पर आपको देख रहे हैं कि बीमारी के दिन कम करने, यानी जो बीमारी है ज़्यादा दिन तक है उसको कम जल्दी ठीक करने का प्रयास होता है, अक्षमता को कम करने में और काम में संतुष्टि बढ़ाने में भी इससे लाभ मिलता है। ब्रेन इमेजिंग तकनीक का यहाँ पर लोग उपयोग करके भी इसके लाभ को देख रहे हैं कि परिवर्तन इससे हुआ है। ये जो नोट लिखा हुआ है इसको नहीं लिखना है, ये समझने के लिए है। जहाँ से हमने ये आंसर लिया है वहाँ पर ये लिखा हुआ था, तो ये नोट को समझने के लिए है, इसको लिखना नहीं है। फिर ये सारे टाइप्स हो गए, अब व्यवहार चिकित्सा पर चलते हैं। व्यवहार चिकित्सा को ही ज्ञान संबंधी उपचार या संज्ञानात्मक व्यवहारवादी योगोपचार या कंडीशनिंग थेरेपी भी या बायोफीडबैक थेरेपी भी कहते हैं। मनोचिकित्सा जो वांछित व्यवहार को मजबूत करने और अवांछित व्यवहार को बुझाने के द्वारा असामान्य या दुर्भावनापूर्ण व्यवहार को बुझाना या रोकना चाहता है। इस चिकित्सा का मतलब हो गया वांछित व्यवहार। वांछित क्या है, जो वांछा की जाती है, जिसकी इच्छा की जाती है, जिसकी सब लोग कामना करते हैं कि ऐसे व्यवहार होना चाहिए, उसको वांछित व्यवहार कहते हैं, और जो व्यवहार नहीं करना चाहिए उसको अवांछित व्यवहार कहते हैं। तो अवांछित व्यवहार जो है उसको हटाने के लिए किया जाता है। इसका अवलोकन करते हैं, अवलोकन का मतलब देखना। व्यवहार चिकित्सा एक व्यापक शब्द है जो नैदानिक मनोचिकित्सा का जिक्र करता है, निदान करता है, ठीक करता है, जो व्यवहार से व्युत्पन्न तकनीकों का उपयोग करता है। जो लोग व्यवहार चिकित्सा का अभ्यास करते हैं वे विशिष्ट सीखे और व्यवहार और पर्यावरण उन व्यवहारों को कैसे प्रभावित करते हैं, इन सारी बातों पर ध्यान देते हैं। तो थोड़ा सा जो भी यहाँ पर लैंग्वेज प्रॉब्लम अगर आपको दिखे कहीं पर तो उसको सही लाइन बना दीजिएगा, क्योंकि ये गूगल का लिखा हुआ है। गूगल में क्या क्या होता है कि इंग्लिश का लिखा हुआ वो सही होता है और हिंदी में जो लिखा रहता है वो ट्रांसलेटेड होता है, तो ट्रांसलेशन जो किया जाता है गूगल के द्वारा वो थोड़ा बहुत अशुद्धियाँ होती है। हिंदी में, हिंदी के लैंग्वेज में वो ग्रामेटिकली पूरी वाक्य जो होती है वो सही नहीं होता है, कभी कभी गलती हो जाता है, तो इसलिए उसको आप ध्यान देने की कोशिश करेंगे। फिर आगे चलते हैं अप्लाइड साइंस में। आप जानते हैं कि किसी भी साइंस का व्यवहार में क्या अभी उपयोग है उसको अप्लाइड कहते हैं। तो अप्लाइड व्यवहार विश्लेषण अगर किया गया तो ABA जिसको यहाँ पर कहा गया है, व्यवहार विश्लेषण का अनुप्रयोग है, एक प्रयोग उसका ज़िंदगी में करना है जो यह समझने पर केंद्रित है कि कैसे पर्यावरणीय चर सीखने के सिद्धांतों, विशेष रूप से उत्तरदायी और ऑपरेटेंट
कंडीशनिंग को प्रभावित करते हैं। तो सारी उसकी घटनाओं को दिखाया गया यहाँ पर, पूरा नहीं पढ़ रहे हैं, फिर ज़्यादा लंबा हो जाएगा। प्रतिक्रिया, रोकथाम ERP, बाढ़, डिसेंसिटाइजेशन के जो भी उपयोग है यहाँ पर किया जाता है। बड़ा ही रहने देते हैं। यह व्यवहारिक विज्ञान के आधार पर समस्या व्यवहार को ठीक करने के उद्देश्य से चिकित्सकीय तरीकों का एक सामान्य नाम है, कंडीशनिंग थेरेपी या सीखने की चिकित्सा। इस सारे यहाँ पर देख रहे हैं आप, नंबरिंग वाला नीचे करके लिखिएगा फर्स्ट नंबर, फिर जो है दूसरा नंबर, इसको अच्छे से लिखिएगा यहाँ पर टेबल के रूप में। नीचे जैसे होता है ना, वर्गीकरण करते हैं, तो यहाँ पे पैराग्राफ में ऊपर में दे दिया गया था, उसको नीचे कर दीजिएगा नंबर को, एक नंबर को भी नीचे कर दीजिएगा, फिर दूसरे पैराग्राफ में दो नंबर को भी नीचे कर दीजिएगा, फिर तीन नंबर है, तीन नंबर को भी नीचे कर दीजिएगा। चलते हैं आगे, तीन नंबर भी, फिर तीसरा पॉइंट हो जाएगा, फिर चार नंबर जो है, चार नंबर भी ये नीचे आएगा, ये चूँकि अलग पॉइंट है तो ये नीचे आएगा। फिर आगे देखते हैं, कई अलग अलग थेरेपी है इसमें, अलग अलग टाइप है। कभी डॉक्टर ही पेशेंट बन जाता है और पेशेंट को कहता है कि डॉक्टर बनकर के चिकित्सा करो, या उसी से सलाह लेता है कि उसके मन का क्या स्थिति है। तो ये अलग अलग साइकोलॉजिकल थेरेपी है। फिर अब इसका, चूँकि आपको क्वेश्चन में पता है कि मूल्यांकन करने के लिए भी कहा गया था, तो मूल्यांकन करना है तो ये आपको काम आएगा ये पॉइंट। तो सारे यहाँ पर अब आगे जो आंसर है वो लास्ट आंसर है, वो मूल्यांकन करने से संबंधित है, व्यवहार चिकित्सा का मूल्यांकन। पढ़ नहीं रहे हैं, नेक्स्ट चलते हैं। पैराग्राफ है थोड़ा छोटा कर देते हैं तो यहाँ हो जाएगा एक बार में। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर के भी लिख सकते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं, आप डायरेक्ट भी वीडियो पॉज करके यहाँ पर से लिख ही सकते हैं, वो जो स्क्रीनशॉट का ही मज़ा देगा। फिर नेक्स्ट पेज चलते हैं, इसमें अलग अलग पैराग्राफ है, तो पैराग्राफ वाइज कर लेते हैं, लिखने में आसानी होगी। फिर चलते हैं, और चर और अचर जो शब्द यहाँ पर आया है, चर का अर्थ होता है जो वेरिएबल होता है, बदलने वाला होता है, और अचर होता है जो इनवेरिएबल होता है, जो बदलता नहीं है। ये दोनों में फैक्टर होता है, कोई बदलने वाला और कोई नहीं बदलने वाला होता है। अब नैदानिक अनुप्रयोग है, ये क्या है कि उसका निदान के रूप में इस व्यवहार का, इस चिकित्सा का कैसे प्रयोग किया जाता है। अनुप्रयोग का मतलब प्रयोग ही समझिए, बस इसका उपयोग कैसे करना है ये यहाँ पर बताया गया है, किस चीज़ में इससे फ़ायदा होता है, हम कैसे जानेंगे कि किस बीमारी में इसका, इस थेरेपी का उपयोग किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि जोड़े के रिश्तों में अतरंगा शामिल, जैसे कि जोड़ों में क्षमा, पुराना दर्द, शराबी के व्यस्क बच्चे होने के तनाव संबंधी, व्यवहार संबंधी समस्याएं। कोई शराबी है और उसके बच्चे बड़े हो गए और वो समझने लगे कि मेरे पिताजी दारू पीते हैं, तो उनको जो टेंशन होता है उसको कैसे ठीक करेंगे। पुराना दर्द है, एनोरेक्सिया है, नींद नहीं आ रहा है, पुराने संकट, मादक द्रव्यों का सेवन, डिप्रेशन, चिंता, अनिद्रा, मोटापा, इन सारी समस्याओं का भी इलाज साइकोथेरेपी से किया जा सकता है। फिर आगे देखते हैं, ये दूसरा पैराग्राफ है, कई इसमें टेक्निक हैं तो उतना डिटेल्स में नहीं जाने की कोशिश कर रहे हैं हम। नेक्स्ट पेज, कोई लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं ना, तो सेंसिटिव होते हैं तो वो हर चीज़ को कैच करते हैं और
ओवर रिएक्ट करते हैं। तो डिसेंसिटाइजेशन में क्या किया जाता है कि सेंसिटिविटी को कम किया जाता है कि नहीं उसको इग्नोर करो, इसको छोड़ो। फिर चलते हैं अगले पेज में, अगले पेज को थोड़ा बड़ा करके देखते हैं क्योंकि बड़ा पैराग्राफ है। वर्चुअल रियलिटी थेरेपी यानी यथार्थवादी ये चिकित्सा है। कई नाम आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो इन सभी बातों से आप परिचित हों, आपको होना चाहिए क्योंकि आपका सब्जेक्ट है, आपको इसकी नॉलेज अच्छी तरीके से होनी चाहिए। और जो भी समस्याएं हो अपने टीचर से मिलें, पढ़ने की कोशिश करें, टर्म को हर एक टर्म को समझने की कोशिश करें, समझें ताकि आपको इसका कंटेंट समझ में आए कि आपने पढ़ा क्या है। आप तभी ये पढ़ाई आपको काम आएगा, नहीं तो सारा बेकार हो जाएगा। किसी भी सब्जेक्ट की पढ़ाई आपको तभी काम आती है जब आप उसको समझते हैं। और एप्लीकेशन ही हर चीज़ का, हर ज्ञान का मुख्य भूमिका निभाता है। उसका मुख्य उद्देश्य तो वही है कि इसका उपयोग ज़िंदगी में हो जाए। फिर चलते हैं नेक्स्ट पेज, पैराग्राफ वाइज देखते हैं। मॉडलिंग, कोचिंग, सारा बात देखिए आपके जन सामान्य के जो टॉपिक का है, जो हम टर्म उपयोग करते हैं, जो जुड़ा हुआ हमसे है, उसी संबंधित यहाँ पर बात की गई है। कई तरह के टास्क होते हैं, असाइनमेंट्स का उपयोग किया जाता है सीखने के लिए। बड़ा ही रहने देते हैं, ठीक है, अच्छा थोड़ा छोटा कर देते हैं। एक पेज है, फिर चलते हैं नेक्स्ट पेज। यहाँ पे कई पॉइंट है, तीसरा, चौथा, दूसरा करके। तो यहाँ पर पहला जो है ये पांच तत्वों का होना आवश्यक है, जहाँ लिखा है ना, तो इसके बाद पहला से जो है उसको आप पॉइंट वाइज लिखेंगे, पहला छोड़ करके, उसको पहला नहीं लिख करके वहाँ पर नीचे एक नंबर लिखेंगे। और ये पहले यह बताना होगा, इसको छोड़ करके लिखिएगा कि प्रत्येक व्यक्ति को वांछित व्यवहार सफलतापूर्वक पूरा करने पर क्या मिलेगा। दूसरा, उन लोगों को शामिल किया गया है जो व्यवहार की निगरानी करते हैं। तीसरा, यदि वांछित व्यवहार उस तरीके से नहीं किया जा रहा है जिस तरह से अनुबंध में सहमति व्यक्त की गई थी, तो जो अनुबंध में परिभाषित किए गए दंडों को किया जाना चाहिए। ये सब सिस्टम जो है ना, इसको पॉइंट वाइज लिखना चाहिए था तो और अच्छा लगेगा। आप ऐसे ही करिएगा। टोकन अर्थव्यवस्था, अलग अलग तकनीक है, ये टोकन लेकर के काम किया जाता है। तो ये सारा आपने अगर प्रैक्टिकल किया हो तो आपको ये समझ में आएगा कि कैसे कौन सा प्रयोग किया जाता है। फिर आपको ये बारीकी से टोकन अर्थव्यवस्था से संबंधित यहाँ पर बताया गया है। एक तकनीक है जो प्रतिक्रिया लागत कहा जाता है। इस तकनीक का उपयोग या तो टोकन अर्थव्यवस्थाओं के साथ या इसके बिना भी किया जा सकता है। प्रतिक्रिया लागत टोकन अर्थव्यवस्थाओं का दंड पक्ष है, जहाँ किसी को अनुचित व्यवहार करने के बाद इनाम या विशेषाधिकार का नुकसान होता है। टोकन अर्थव्यवस्था की तरह यह तकनीक मुख्य रूप से संस्थागत और चिकित्सकीय सेटिंग में उपयोग की जाती है। मनोरोग के विभिन्न रूपों के व्यवहार संबंधी विचार से प्रेरित नीतिगत निहितार्थ प्रेरित हुए हैं। व्यवहार चिकित्सा का एक रूप आदत उल्टा प्रशिक्षण टिक्स के इलाज के लिए अत्यधिक प्रभावी पाया गया है। इस तरह से आपके सामने इस क्वेश्चन का जो अंतिम क्वेश्चन, पाँचवा क्वेश्चन था, इसका असाइनमेंट का आंसर आपके सामने रखा गया। अब आपको इसके पिछले दो और वीडियो जो हमने डाले हैं, उन वीडियो को देखते हुए आपको जो भी अच्छा आंसर लगे और उपयुक्त लगे, उन दो क्वेश्चन को चुन करके उसका आंसर लिखें तो अच्छा होगा। तो इसी के साथ आप सब अंतिम समय तक बने रहे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।